नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं मोतिहारी शहर में हूँ और मोतिहारी शहर में जहाँ पे मैं अवस्थित हूँ यहाँ पे सुबोध सर जी का कोचिंग सेंटर चलता है जो काफ़ी फेमस है। मोतिहारी में नहीं, मोतिहारी के और भी इलाके में, पूरे भारत में जो है फेमस है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये संतुष्ट करना चाहता हूँ, बताने वाला हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो है नाराज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको लगेगा कि हाँ जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो काफी आप लोगों के लिए अहमियत रखता है। तो हमारे साथ इस वीडियो में आ रहे हैं सुबोध सर और मैं आप सर आपका स्वागत करना चाहता हूं चैनल पर। धन्यवाद सुबोध सर। अभी मैं जानना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से और व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि आखिर में जो आंदोलन हुआ है, छात्र आंदोलन हुआ है, ये क्यों हुआ है? चलिए, सबसे मूल कारण है रोजगार की कमी। कारण तो बहुत सारे हैं, ये जैसे एनटीपीसी का रिजल्ट टाइम पर नहीं आना, परीक्षा में लेट होना, रिजल्ट कम देना, ये सब तो एक बेसिक कारण है, ये तत्कालिक कारण है। लेकिन ये हंगामा हमेशा चलते रहेगा जब तक कि वैकेंसी टाइम पर ना आएगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। रोज़गार का कमी ही एक मेन कारण है, इसका सारांश यही है। सर आगे मैं जानना चाहता हूँ कि एनटीपीसी आरआरबी का जो मामला लेकर छात्र जो सड़क पे आए हैं उसके पीछे राज क्या, आखिर में मामला वो क्या है जिसको लेकर छात्र जो है सड़क पर उतर चुके हैं? देखिए, तत्कालिक कारण तो यह है कि रिजल्ट का जो गणना है बोर्ड अलग तरीके से कर रही है और छात्र लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे साधारण भाषा में समझिए, जैसे हम कहते हैं गिनिए ए ए बी बी सी, तो आप बोले कि आप सर पांच बार बोले, दो बार ए बोले, दो बार बी बोले, एक बार सी बोले। छात्र कहते हैं ना ना ना, इतनी ही है ए बी सी, इतनी ही है। इसी का सारा जो है अभी तत्कालिक कारण बना हुआ है। और दूसरा एक और हंगामा हो गया शुरू कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम का तैयारी लोग कर रहे थे, सब लोग जुड़े हुए थे, 23 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होना था। आयन वक्त पर गवर्नमेंट कहती है भाई एक एग्ज़ाम और लेंगे। अब इसके कारण और जो है आग में घी डाल दिया गया, यही इसी कारण हंगामा ज़्यादा बढ़ गया। मतलब कि सरकार ने जो पहले रेलवे का एग्ज़ाम होता था वो नॉर्मल होता था, लेकिन उसने क्या किया, लेवल अप कर दिया है। लेवल अप नहीं कही, देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमको दो एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम, चूँकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम होता था, कुछ फिजिकल भी लिया जाता है और इस पर जो है ये कर देता है। अब देखिए कहानी कहाँ से शुरू होता है। आज गवर्नमेंट कह रही है कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम रेलवे का है, ये लेने में बहुत परेशानी हो रही है। तो गवर्नमेंट यह बताए पहले क्यों नहीं परेशानी होती थी, पहले इतने लोग फॉर्म क्यों नहीं भरते थे, तो कारण था कि पहले सारा वैकेंसी अप टू डेट होता था। बिहार सरकार का वैकेंसी, स्टेट लेवल का जो जिस स्टेट के हैं उसका वैकेंसी, बैंक का, तो लोग अपना अपना फील्ड चुन लेते थे, गोल चुनते थे कि हमको बैंक का ही तैयारी करना है, हमको एसएससी का ही करना है, हमको दरोगा में ही जाना था। आज लोग के पास ऐसा हो कि कोई एक वैकेंसी निकलता है सारे लोग उधर दौड़ पाते हैं। कारण है कि कैलेंडर अपडेट नहीं है, रेगुलर वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी में कटौती होते जा रहा है। तो जब मोदी जी यह घोषणा किए थे, सारा युवा लोग एकजुट होकर जिताया था, इनसे बहुत आशा रखा था कि हमको रोज़गार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे। लोग यह सुन लिया, आज वही मन में बैठाए हुए हैं और वो इच्छा का पूर्ति नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि वो आंदोलन का स्वरूप लेते जा रहा है और ये आगे भी होगा। हम ये नहीं कि जो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आंदोलन करिए, ये नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद होगा। हाँ, ये शांत कैसे होगा, जब रेगुलर वैकेंसी आ जाएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं, धन्यवाद। तो आप लोगों ने देख लिया इस वीडियो को, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है सुबोध सर के बात के लिए, गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी भी हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग जो है आपको ये जानकर कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। थैंक यू।